हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम आईआईटी जेएम काउंसलिंग में अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस ले लिया लेकिन अब उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जनरल में आना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जनरल कैटेगरी चूज कर लिया जो ईडब्ल्यूएस में आना चाहते हैं, या फिर जनरल से ओबीसी में आना चाहते हैं, या फिर ओबीसी से जनरल में जाना चाहते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट ने गलती से ऐसा हो गया उनकी कैटेगरी के साथ, या फिर उन्होंने चूज कर ली, अब उनके पास कोरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा। इस कंडीशन में स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, जो भी कोई सिलेक्टेड कोई रीजन रहा हो, तो सबसे मेन सवाल यह आता है कि क्या सर हम कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो स्टूडेंट से अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर पिछले दो सालों में ऐसा चेंज होने का प्रोसीजर था, लेकिन ये जो अभी काउंसलिंग टाइम में कैटेगरी को चेंज करने का प्रोसीजर है वो बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, क्योंकि आपको आईटीजेएमई काउंसलिंग में डायरेक्ट आपको कैटेगरी को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपको एक अलग से आपको ईमेल करना होता है, जो भी आपका आईटीजेएम काउंसलिंग का जो जॉब्स का मैनेजमेंट टीम होता है, इस बार आपका आईएएससी बेंगलोर के द्वारा होगी काउंसलिंग, तो वहाँ पर आपको ईमेल करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोरेक्ट मिलेंगे, अगर उस कमेटी को जो आपकी आईटीजेएम काउंसलिंग कमेटी है उसको लगेगा कि बिल्कुल स्टूडेंट की कैटेगरी को चेंज कर देना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका चेंज हो सकता है। बाकी आपका 100% श्योर ही नहीं है कि काउंसलिंग में आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो क्या, तो वो डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और लास्ट फाइनल वो आपका आईआईटीजेएम काउंसलिंग मैनेजमेंट टीम तय करेगी कि आपकी कैटेगरी को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट का हो भी जाता है कैटेगरी चेंज और कुछ का नहीं हो पाता है, उनका कैंसिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आईटीजेएम काउंसलिंग को लेकर, सीसीएम काउंसलिंग को लेकर, तो आप हमारी टीम के साथ मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग को हैंडल किया जाएगा। आपका जो भी डाउट है, हर तरह का आपकी प्रॉब्लम है, आपको सोल्व किया जाएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आईटीजेएम काउंसलिंग को लेकर या सीसीएम काउंसलिंग को लेकर प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी, राइट इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम आप अपडेट चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हैं, पर्सनल कॉल कर सकते हो आप, और आपका हर तरह का डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे वो कॉलेज प्लेसमेंट को लेकर हो, कॉलेज ऑर्डर को लेकर हो, कॉलेज की रिव्यू के बारे में हो, हर तरह का आप डाउट क्लियर कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम हैंडल करेगी, कब फॉर्म अप्लाई करना है काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आने पर उसमें जो सीटों को कन्फर्म किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, स्लाइडिंग किया जाता है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है हमारी टीम हैंडल करेगी। कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, कौन कौन से अंडरटेकिंग आपको बनाने होंगे, और आपका फिजिकल रिपोर्टिंग तक हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। काउंसलिंग फॉरम से लेकर काउंसलिंग प्रोसेसिंग को लेकर और फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपकी पूरी हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारी टीम के साथ रजिस्ट्रेशन हो सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी, और उसके बाद में आपको सीसीएम काउंसलिंग हो, चाहे आईआईटीजेएम काउंसलिंग हो, इसके लिए आप बिल्कुल निस्फिक्र हो सकते हैं। पूरा प्रोसीजर है हमारी टीम हैंडल करेगी स्टूडेंट से, जिसके लिए आपको टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे।